तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, उस पर डेस्कटॉप साइट चालू कर लेना है। फिर आपको सर्च करना है youtube.com और वहाँ पे अपने अकाउंट को साइन इन कर लेना है गूगल की जीमेल वगैरह से। फिर आप इस टाइप से आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने यूआर चैनल पे जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको इस टाइप से ऑप्शन दिखेगा, आपको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है। कस्टमाइज चैनल पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक कंटिन्यू टू स्टूडियो का ऑप्शन आ जाएगा। इस टाइप से आपको कंटिन्यू टू स्टूडियो करना है। डेस्कटॉप साइट अगर ऑफ हो जाए तो आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्रांडिंग पे क्लिक करना है, सेकंड नंबर का ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने पहले भी सेट कर रखा है पर मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। तो मैं अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ मैंने एडिट कर रखा है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उसको, देन डन। यहाँ आप इसको बीच जो सेंटर में आए तभी क्लिक करना, वरना आपका लोगो परफेक्टली सेट ना हो पाएगा। ये परफेक्ट आ गया है। उसके बाद आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, मैंने कर रखा है। इसके बाद आपको ये मिनिमाइज जो आपकी वीडियो पे चलता है वो भी सेट कर सकते हैं, मैं कर लेता हूँ। ये स्क्वायर में आएगा, ये राउंड नहीं आएगा। और आपको इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद आप आपके यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं कि आपका लोगो कैसा लगा, आपका बैकग्राउंड कैसा लगा है। तो ओपन हो चुका है, ये मेरा बैकग्राउंड है। देन इस टाइप से मेरा लोगो आया है।